कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कहीं दौड़ती थी जो बुद्धि भोग अधिक रति पाने में, वही दौड़ती है मति उल्टी तीव्र विराग सजाने में। इसीलिए शिव पुरुषार्थ में कति प्रयत्न से कही गई, मोक्ष काल से माना जिनने उन्मति जिन मत दूर हुई, उन्मति जिन मत दूर हुई। ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ पद पंकज चंचरी का दीवान रहस जो लोग इस विक्रिया शक्ति पर आश्चर्य करें ये अच्छी बात है, लेकिन संदेह करें ये अच्छी बात नहीं। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि संदेह हो रहा है? आश्चर्य होना चाहिए, विस्मय होना कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य होना अच्छी बात है, क्योंकि आपकी बुद्धि में कोई चीज नहीं घुस रही है तो वह आश्चर्य के माध्यम से आप उसे स्वीकार करें तो अच्छी बात है, लेकिन उसके विषय में संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। संदेह होने का मतलब आपको सम्यक दृष्टि होने के नाते संदेह होने का मतलब यह होगा कि जिनेंद्र भगवान की महिमा के विषय में भी आपको संदेह हो रहा है। अभी तो ये बालक की महिमा देखने में आपको संदेह हो रहा है, जब ये बालक बड़ा होगा और जब यह समव शरण में बैठेगा और उस समव शरण की महिमा का वर्णन किया जाएगा, तब तो आप आश्चर्य से पागल हो जाओगे और फिर आप कहोगे कि ऐसा तो कभी संभव है ही नहीं। यह सब जो कुछ भी आपके सामने देखने को मिलता है, यह सब सम्यक दृष्टि जीवों के लिए श्रद्धा से स्वीकार किया जाता है और सम्यक दृष्टि जीवों के लिए कोई भी आश्चर्य संदेह का विषय नहीं होता, क्योंकि वह आश्चर्य करते हुए भी जानते हैं कि विक्रिया की पदार्थों की अद्भुत शक्तियां हुआ करती हैं। विक्रिया शक्ति के माध्यम से वह हाथी 1,00,000 योजन का भी बन सकता है, वह विक्रिया शक्ति के माध्यम से वह हाथी अनेक मुख वाला भी बन सकता है, और विक्रिया शक्ति के माध्यम से वह हाथी इतना बड़ा बन सकता है कि वह पूरे उस नगर के ऊपर आकर के खड़ा हो जाए और सब लोग उस हाथी को देख भी लें। इस तरह की विक्रिया शक्ति के माध्यम से उस हाथी का बनना किसी भी तरह से आप लोगों के लिए संदेह का विषय नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों के लिए एक अद्भुत आश्चर्य का विषय होना चाहिए और सोचना चाहिए। 7 आश्चर्य तो जो हम दुनिया में देखते हैं वो तो सब छोटे मोटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है ऐरावत हाथी का अयोध्या नगरी में या हस्तिनापुर नगरी में भगवान के जन्म कल्याणक के समय पर आना और उस ऐरावत हाथी पर 1 दिन के जन्मे हुए शिशु को बिठा करके इंद्र के द्वारा उसे ले जाना, ये आपके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य होना चाहिए। जो 7 प्रकार के आश्चर्य हैं, 7 वंडर्स जो आज आपके वर्ल्ड के अंदर जाने जाते हैं, वो कोई भी वंडर इतने वंडरफुल नहीं है जितना ऐरावत हाथी का वंडर वंडरफुल है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सब तो देखने में आते हैं, सब बड़ी बड़ी ईंट पत्थरों की दीवारें बना दी, ताजमहल बना दिए, कोई मीनारें बना दी, कोई टॉवर बना दी, ये सब कोई आश्चर्य नहीं है। ये आश्चर्य तो उन लोगों के लिए है जिन्हें जिनेंद्र भगवान के कथन पर विश्वास नहीं होता। ये आश्चर्य तो मिथ्या दृष्टि लोगों के लिए हैं, लौकिक लोगों के लिए हैं, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान के वचनों पर विश्वास करते हैं,
शांतिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकरों का जन्म आदि कल्याणक और उनकी महिमा पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य मनुष्यों के द्वारा निर्मित नहीं होता, वह आश्चर्य देवों के द्वारा निर्मित होता है, और उस आश्चर्य का नाम है ऐरावत हाथी पर भगवान का बैठना। ये सबसे बड़ा आश्चर्य आपके दिमाग में होना चाहिए। सावधान सावधान हस्तिनापुर होशियार, देवों के देव श्री जिनदेव ऐरावत हाथी पर सवार होकर सौधर्म महाराज लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा कि उस ऐरावत हाथी का क्या प्रारूप होता है, क्या रूप होता है? उस ऐरावत हाथी के 32 मुख होते हैं। आंखें फाड़ के सुनो, कान खोल के सुनो और मुंह फाड़ के सुनो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। कितने मुंह होते हैं? ऐरावत हाथी के 32 मुख बनाए जाते हैं। ये विक्रिया शक्ति के माध्यम से देवता इस तरह का हाथी बनाते हैं और उस एक एक मुख में 8-8 दांत होते हैं। कितने मुख? कितने? 32। दांत कितने? 8। तो सब मिलाकर के दांत कितने हो गए? सब मिलाकर के दांत हो गए 256। और एक एक दांत इतना बड़ा होता है कि आपके पनागर में भी इतना बड़ा तालाब नहीं होगा, कहीं आसपास भी इतना बड़ा तालाब नहीं होगा जितना बड़ा तालाब उस एक दांत के ऊपर उस बना रहता है। समझ आ रहा? इसलिए कह रहा था आंखें भी फाड़ो, मुंह भी फाड़ो। और जैसे आप जब कोई आश्चर्य देखते हो तो करते हो आ वा वो, ऐसे आपके मुंह से निकलना चाहिए तो मैं समझू कि हाँ वो आश्चर्य है। समझ में आ रहा है? तो क्या सुनना आपने? हाथी कितने हैं? हाथी तो एक है। मुंह कितने हैं उसके? 32 है। एक एक मुंह में कितने दांत हैं? 8। 32 मुंह की कल्पना करो हाथी के, और एक एक मुंह में कितने? 8-8 दांत हैं, और एक एक दांत पर एक एक बड़ा बड़ा सरोवर है, और एक एक सरोवर में एक एक कमलनी खिल रही है। क्या खिल रही है? कमलनी। तुम्हारे मुंह से निकलता ही नहीं कुछ वाह ओ वाह वो है? जब उधर ताजमहल देखने जाते हो तब वहां पे फोटो खिंचाते हो, वो करते हो, छोटी छोटी सी बातें हो जाती हैं तो मुंह बना लेते हो। अब यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं, तुम्हारे तो हाथ मुंह सब फट जाने चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? एक एक सरोवर पर एक एक कमलनी होती है। कमलनी माने एक बड़ा कमल समझ लो, और उस एक एक कमलनी के जो पत्ते होते हैं वो 32-32 पत्ते होते हैं। एक एक कमल के कितने पत्ते? 32। सुन रहे हो कि नहीं? और एक एक पत्ते पर 32-32 देवांगनाएं नृत्य कर रही होती हैं। अब बोलो वो बोलो जो कुछ बोल सकते हो। बोलिए शांतिनाथ भगवान के जन्म कल्याण महा महोत्सव की। सबका गुणा करके देखोगे तो कितना आएगा? 83,88,608 देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं उस ऐरावत हाथी पर। ओ हो। समझ में आ रहा है? पूरे तुम्हारे जबलपुर और आसपास एमपी की पॉपुलेशन कम पड़ जाएगी, इतनी तो वहां पर देवियां नृत्य करती हैं। अब बताओ ये देवियां क्या जमीन पर नृत्य करेंगी? ये सब देवियां उस सरोवर पर जो हाथी के दांत पर बना हुआ है, और पूरे आकाश मंडल में वह सरोवर बना हुआ है, हाथी भी निर्वाध रूप से पूरे आकाश मंडल में विक्रिया शक्ति से फैला हुआ है। ऐसी अद्भुत विक्रिया शक्ति को जो जानता है वो दुनिया के सब आश्चर्यों को छोटा मानता है, और उसके दिमाग में आता है कि ऐरावत हाथी से बढ़कर के दुनिया का कोई भी आश्चर्य नहीं है। अगर हो सके तो दुनिया की किताबों को बदल देना और कहना जितने भी ये आश्चर्य हैं ये सब छोटे छोटे हैं, मनुष्यों के द्वारा बन रहे हैं। कभी सुना था कि कहीं सऊदी अरब में भी एक आश्चर्य बनाने के लिए कुछ तैयारियां चल रही हैं, एक और 8वां आश्चर्य बनाने की। समझ में आ रहा है?
वहां पर कह रहे हैं कि वो आश्चर्य 50 साल में बनकर के तैयार होगा, ऐसी कोई टॉवर बनाने की तैयारी चल रही है। तो आश्चर्य बनाए नहीं जाते हैं, आश्चर्य पुण्यवान लोगों के द्वारा अपने आप बनकर के सामने आ जाते हैं, उनको आश्चर्य कहा जाता है। 50 साल में आश्चर्य बनाओगे, ताजमहल जैसे कुछ महल बनाओगे, उनको देखने के बाद भी आपको कुछ नहीं लगेगा कि इनमें कुछ भी नहीं है ऐसा जिसको देख करके ओ वो किया जाए। ये तो कुछ पागल लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत जो कुछ नहीं देखते वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें आश्चर्य यदि होता है तो ऐरावत हाथी को देख करके होता है, उस पर बैठे हुए सौधर्म इंद्र के वैभव को देख करके होता है, और उस हाथी के पीछे सात सात प्रकार की जो सेनाएं चलती हैं, लाखों की संख्या में वह देव सेनाएं चलती हैं, उसको देख करके होता है। और फिर सबसे बड़ा आश्चर्य होता है जब उस जन्मजात शिशु को इतने बड़े ऐरावत हाथी पर बिठा करके वह सौधर्म इंद्र उस हस्तिनापुर से ले जा करके सुमेरु पर्वत पर ले जाएगा, तब वह आश्चर्य की बात होती है। तो अभी तो सौधर्म इंद्र सची के साथ में देव सेना के साथ में वह हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहा है, और उस ऐरावत हाथी का जो वर्णन है उसे आप ध्यान में रखते हुए इस ऐरावत हाथी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यही हमारे लिए बहुत बड़ा लग रहा था, अब महाराज ने जो बताया है वो तो कितना बड़ा है, हाथ फैला के बताओ कितना बड़ा है, इतना ही बड़ा है जितने हाथ फैल रहे हैं। वह हाथी जितना बड़ा है उसका वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है, इसलिए मैं विराम लेता हूं, आप लोग आगे के उस प्रक्रम को देखें कि कैसे वह इंद्र राजमहल में प्रवेश कर रहा है। सावधान, तीन लोगों के नाथों के नाथ, 1008 शांतिनाथ भगवान के पांडव शिला के अभिषेक हेतु सौधर्म महाराज अपनी पूरी इंद्र सेना के साथ पधार रहे हैं।
बाजे बाजे बंद भैया भैया जन्म कल्याण की सभी इंद्र साइड हो जावे, सभी इंद्र सामने से जगह देवे, स्तुति करते हुए सभी लोग पहले महाराज जी के चरणों में नमस्ते करें। ऐसी भव्य भगवान का जन्म पनागढ़ नगरी में भी हो गया। नमस्तु सभी, नमस्तु भगवान, नमस्तु। अभी हस्तिनापुर में आगमन हुआ है और हस्तिनापुर में आगमन होने के बाद में वह इंद्राणी उस बालक को देखती है और देखने के बाद में आश्चर्यचकित होकर के बड़े हर्षपूर्वक आनंद के साथ उस बालक का जब स्पर्श करती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे तीन लोक का सुख उसने छू लिया हो। और उस सुख को स्पर्श करने के बाद में वह जन्म कल्याणक इस रूप में आगे बढ़ता है, जैसा कि यहाँ काव्य नंबर 19 में लिखा है, जन्मोत्सवम जिन शिशो रवगम्य देवा संभूय हर्ष भरिताश्च समागतास्ते ऐरावते गजवरे सुरमुख्य इंद्रो व्यारोप्य बालक वरम समदम प्रयाति। जान जन्म उत्सव की बेला जिन शिशु के फिर देव तवि मिलकर आए सबको लेकर देव देवियां वहां सभी अब वह देव और देवों का इंद्र वह स्वधर्म इंद्र उस बालक को लेकर के सुमेरु पर्वत की ओर चलता है। और इधर माता के लिए वह बालक जो इंद्राणी ने उठा लिया है उसके स्थान पर एक दूसरा बालक वहां पर विक्रिया से रख दिया जाता है। और उस बालक को लेकर के जब वह सौधर में इंद्र उसी ऐरावत हाथी पर बैठ कर के सची के साथ में जब वह पांडुक शिला की ओर सुमेरु पर्वत पर बने हुए सबसे ऊंचे पांडुक शिला की ओर प्रस्थान करता है तो उसके भाव आपको कुछ इस तरह से समझना है। संस्थाप्य पांडुक शिलो परिमेरु शैले श्रीराम्बु भी सम विशेष विभूष्य भूषै को अपनी गोदी में लेता है और जय जयकार के उच्च स्वरों से दशों दिशाओं को गुंजायमान कर देता है। और उन शिशु की उन भगवान के रूप में विराजमान उस बालक की जय जयकार करते हुए वह इंद्र उस समय पर भी भगवान की स्तुति करते हुए कहता है, त्वमेव जगताम ज्योतिष, त्वमेव जगताम गुरु, त्वमेव जगताम धाता, त्वमेव जगताम पति। हे भगवान, आप ही इस विश्व के लिए ज्योति स्वरूप हैं, आप ही इस जगत के गुरु हैं और तीन लोक के जीवों को मोक्ष मार्ग को दिखाने के लिए आप ही विधाता हैं और आप ही इस जगत के एकमात्र स्वामी हैं, नाथ हैं। ऐसी अनेक अनेक तरह से भगवान के उस बालक के रूप में भी स्तुति करके वह इंद्र जब सुमेरु पर्वत की ओर चलता है तो वह सुमेरु पर्वत पर जाते हुए सौधर्म इंद्र की गोदी में त्रिलोकीनाथ होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ईशान इंद्र की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है।
ईशान स्वर्ग का इंद्र उस समय पर उन भगवान के ऊपर एक सफेद रंग का धवल वर्ण का एक छत्र लगाता है और उस छत्र को तान करके वह उसी गज पर विराजमान होता है। आप समझे कि यह जो आप यहां पर देख रहे हैं, कर रहे हैं और इस तरह का जो आनंद ले रहे हैं, यह आनंद आपके लिए बड़े पुण्य से मिल रहा है और यह आनंद आपको जो आपने तीर्थंकरों की यहाँ पर पूजा की होंगी, जन्म जन्म से यहाँ पर आपने भगवान की आराधना की होंगी, मैं समझता हूँ वह सारी पूजाओं का पुण्य फल इकट्ठा होता है, तब इस तरह से भगवान के जन्म आदि अवसरों पर शामिल होने का, उन्हें देखने का हमें अवसर मिलता है। ये हाथ आज जो हमारे तालियां बजा रहे हैं, आंखें जो हमारी ये दृश्य देख रही हैं, मन जो हमारा ये सब देख करके विस्मित है, ये सब हमारे लिए एक तीव्र पुण्य का परिपाक है और इस पुण्य के परिपाक में जो जो व्यक्ति शामिल होगा वह व्यक्ति आगे आगे भगवान के पंच कल्याणकों में शामिल होने वाला हर व्यक्ति भव्य होता है, आगे आगे वैभव से संपन्न रहता है और वह व्यक्ति कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखता जन्म जन्मांतरों में, जो भगवान के इन कल्याणकों में शामिल होता है। यहाँ पर आज आपके सामने पांडुक शिला पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा का, जिसका पंच कल्याणक हो चुके हैं, उन प्रतिमा का यहाँ पर आपको अभिषेक करने का मौका मिलेगा। तो आप अपने मन में ये भाव ध्यान में रखें कि इस अवसर पर आज हमें अभिषेक अवश्य करना है। सौधर्म इंद्र भी करेगा, ईशान इंद्र भी करेगा, क्योंकि ईशान इंद्र भी सौधर्म इंद्र के साथ रहता है। ईशान इंद्र भी तैयार होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से वह ईशान इंद्र बनने का भाव करके सामने आना चाहिए। सानत कुमार महेंद्र इंद्र भी सामने आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों इंद्र उस बालक के दोनों ओर चमर ढोरने का काम करते हैं और इस तरह का वैभव उस बालक के साथ में जब चलता है तो उस वैभव के साथ में वह बालक उस हाथी पर बैठ करके जब चल रहा होता है, जा रहा होता है और इंद्र उसकी शोभा को देखते हुए जाता है, तो उसको देख करके देव लोग तो कभी अघाते ही नहीं, लेकिन सभी मनुष्यों को ऐसा देखने को पूर्णतया देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐरावत हाथी तो आप देख सकते हो लेकिन सुमेरु पर्वत आप नहीं देख सकते। यहां बैठे बैठे आप समझें कि वह सुमेरु पर्वत जो 1,00,000 योजन का पर्वत कहलाता है, वह पर्वत पर पहुंचने के लिए आकाश में कितनी ऊंचाई में जाना पड़ता है। यहां से जब 790 योजन की ऊंचाई पर जब पहुंचते हैं तब जाकर के वह ज्योतिष मंडल शुरू होता है और वह ज्योतिष मंडल को पार करके जब चले जाते हैं तो 900 योजन की ऊंचाई पर जाने के बाद में ज्योतिष मंडल पार होता है। अभी कितनी ऊंचाई पर, जो दुनिया में दावा करते हैं हम चंद्रमा पर पहुंच गए, हम सूर्य पर पहुंच गए, वो सब केवल दावे हैं, उन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। चंद्रमा और सूर्य को पार करने के लिए आपको 790-800 योजन की ऊंचाइयां पार करनी पड़ेंगी और इतनी ऊंचाइयां पार करने के बाद में जब आपका कोई भी विमान होगा तो वह विमान वहां पर पहुंचने के बाद में वह ऊर्ध्व गति की ओर ही जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी सैटेलाइट होते हैं, कोई भी विमान होते हैं, एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद में वह सीधे चलने लग जाते हैं, कहां जाकर के लैंड करते हैं उसका कोई पता नहीं होता है और डिक्लेयर कर दिया जाता है हम चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए। वहां पर मिट्टी खोदते हैं जबकि चंद्रमा पे ना मिट्टी होती है ना कीचड़ होता है, ऐसे कीचड़ तो हमारी गली मोहल्लों में ही बने रहते हैं जो वहां चंद्रमा पे उस मंगलों पे दिखाया करते हैं। ये सब जो बेवकूफ बनाया जाता है दुनिया को, जो लोग सम्यक दृष्टि होते हैं वो कभी दुनिया की इन बातों से बेवकूफ नहीं बनते हैं और इस प्रकार की बेवकूफी से रोकने के लिए भी दुनिया के लोग अनेक तरह की बातें कहते हैं लेकिन वो बातें हमारे सामने नहीं आ पाती हैं। एक किताब रसिया के लोगों ने लिखी, वी नेवर वेंट टू द मून, और उस किताब पर बैन लगा दिया गया। वह किताब केवल नाम के साथ आज भी उपलब्ध होती है लेकिन उस किताब की पूरी जानकारी आज इसलिए नहीं मिलती क्योंकि यूएस के माध्यम से सारी की सारी ये मोनोपोली चलती है और यूएस के माध्यम से ये जो नासा की खोजें की जाती हैं इन्हीं को विश्वास बना करके साइंस के नाम पर लोगों के लिए दिया जाता है, तो ये जो सही बातें होती हैं हमारे सामने नहीं आ पाती, इसलिए
जो लोग, जो बच्चे आज के पढ़े लिखे चंद्रमा और सूर्य और मंगल के भ्रमों में घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बहुत कोई बहुत बड़ी स्पेस की यात्रा कर रहे हैं, वो बहुत बड़े भ्रम में हैं, ये सोच के चलना कि ये जो बालक है जिसे यह इंद्र ले जा रहा है 1,00,000 योजन ऊंचाई वाले सुमेरु पर्वत पर ले जा रहा है, पूरे ज्योतिष मंडल को क्रॉस करने के बाद में 900 योजन क्रॉस करने के बाद में उसे और ऊंचाई तक जब ले जाता है, तब जाकर के वह सबसे ऊंचा जो वन जिसे पांडुक वन कहते हैं, उस पांडुक वन के ऊपर पांडुक शिलाओं पर चारों दिशाओं में विदिशाओं में चार शिलाएं बनी रहती हैं और उन शिलाओं पर वह ले जा करके जो वहां आसन बने हुए रहते हैं उन आसन पर वह भगवान को जिन शिशु को विराजमान करता है, ये सब अनादिकालीन व्यवस्थाएं हैं और वहां पर जो आसन बने हुए हैं वो हमेशा व्यवस्थित हैं। इधर भरत क्षेत्र है, इधर पूर्व विदेह है, इधर पश्चिम विदेह है, इधर उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है, चारों दिशाओं में जो भी तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं वो उन उन दिशाओं में बनी हुई पांडुक शिलाओं पर बैठते हैं और इसी तरह से सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र इंद्रों के द्वारा वहां पर अभिषेक किया जाता है। वह अभिषेक का जल कहां से आता है? तुम्हारे पनागर की पोखर से है? कहां से आता है? वो अभिषेक का जल आता है क्षीर सागर से और वह क्षीर सागर से लाया हुआ जल जो कि पांचवां सागर होता है, इसलिए उस क्षीर सागर का जल लाया जाता है कि यह जो बालक है यह इसी जन्म में पंचम गति को प्राप्त होने वाला है, इसलिए पंचम समुद्र से वह जल ला करके उस बालक के ऊपर ढोरा जाता है और एक दिन का वह बालक समझो स्वर्ण निर्मित बड़े बड़े उन कलशों के माध्यम से जिसका अभिषेक हो रहा है वो कलशे 8 योजन गहरे होते हैं। कितने? उनका उदर जो बीच में होता है वो 4 योजन का होता है और मुख जो ऊपर का होता है वो 1 योजन चौड़ा होता है, इतना बड़ा वह कलसा होता है और उस कलसे को लेकर के वह एक तरफ सौधर्म इंद्र होता है और एक तरफ ईशान इंद्र होता है। सुन रहे हो कि नहीं पनागर वाले? मतलब की बात कम सुनते हो तुम लोग। एक तरफ सौधर्म इंद्र होता है और एक तरफ ईशान इंद्र होता है। भगवान के अभिषेक की मुख्यता है, दूसरी और कोई बात की मुख्यता नहीं। यहां पर पहले भगवान का अभिषेक सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र के माध्यम से पांडुक शिला पर किया जाएगा, तो 2 इंद्र यहां पर आकर के सबसे पहले भगवान का अभिषेक करेंगे और उसके बाद में वह सानत कुमार महेंद्र इंद्र आदि करेंगे और फिर उसके बाद में अन्य इंद्र करेंगे। इस तरह की व्यवस्था के साथ में जो लोग चलेंगे उन्हें आगामी समय में भी इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। आने वाले 10 लक्षण पर्व में वह इतना पुण्य संयोजित कर लेना चाहिए आप लोगों को कि आने वाले 10 लक्षण पर्व में आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी विघ्न बाधाएं ना आए और इस तरह से शांतिनाथ भगवान की आराधना करते रहोगे। ऐसे कल्याणक का अवसर आने पर अपने भावों को मंगलता से भरते रहोगे तो आने वाले समय में आपको इससे भी बड़े बड़े और अच्छे दृश्य दिखाई देंगे और बड़ा बड़ा लाभ दिखाई देगा। आप लोग अपने बेटों में संस्कार डालने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं और कई लोग कहते हैं कि हमारे बेटे दूसरे दूसरे धर्मों की ओर मुड़ जाते हैं और अनेक अनेक तरह के उनके अंदर विश्वास पैदा हो जाते हैं और वह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जो विश्वास आना चाहिए वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन के माध्यम से आना चाहिए, लेकिन वो बच्चे बड़े होकर के वह सारा विश्वास भूल जाते हैं और जो बातें फिजूल की हैं उन पे तो विश्वास करते हैं और जो बातें सत्य की हैं उन पर वह झूठा आरोपण करके उन पर से संदेह करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो धर्म को कम समझना चाहते हैं लेकिन धर्म को भीतर से मानने की जिनके अंदर जिज्ञासा रहती है, धर्म का अनुभव करने की जिनके अंदर जिज्ञासा रहती है, ऐसे बच्चों के लिए ही 10 लक्षण पर्व में एक विशेष कार्यक्रम जो कि स्वात्म साधना शिविर के माध्यम से यहां पर एक विशेष कार्यक्रम होगा, वह
कुछ विशेष लोगों के लिए होगा और वह विशेष लोग धर्म को जिएंगे, अनुभव करेंगे, केवल पूजाओं और प्रतिष्ठाओं के माध्यम से अपना समय नहीं निकालेंगे। उन 100 लोगों की कैटेगरी एक अलग होगी और उसमें जिन लोगों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा वे लोग धर्म की अनुभूति 10 दिन इस ढंग से करेंगे कि उनके लिए किसी भी तरह की बंदिशें नहीं होंगी, लेकिन अनुशासन पूरा होगा। श्री जिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।